किसी की भी हो, ये लोग क्या करें, ये लोग कहाँ जाएं? हॉस्पिटल आने का है, यहाँ 8-8, 10-10 हफ्ते आते रहते, कुछ सुनवाई नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ पे ये तो पत्रकार सब मैं आपकी दलील से करूँ, इसलिए बैठने की व्यवस्था भी कम है, कोई बेंच नहीं है सर, बेंचेस लगवाए हुए हैं, ये तो भरे पड़े हैं, और लगवाइए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ सर, पानी की व्यवस्था है, कोई बात नहीं, कल करते हैं जब नीचे जब मैं और आप बैठ के सर ठीक है, व्यवस्था होना चाहिए। ये है पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज, जो आज पानीपत के सिविल अस्पताल में अचानक पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है। जब अचानक शहरी विधायक प्रमोद विज निरीक्षण के लिए पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद विधायक की गाड़ी सीधे इमरजेंसी के बाहर रुकी। हालांकि उन्होंने अपना दौरा यहां से नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड विभाग से शुरू किया। यहां पहुंचने के बाद विधायक को कई खामियां मिली, लेकिन साथ ही उन्हें कई अच्छाइयां भी मिली। सबसे बड़ी खामी यहां पर विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों को हो रही परेशानी थी। ये देख विधायक भड़क गए, उन्होंने तुरंत वरिष्ठ डॉक्टर से इस मामले की जानकारी ली और रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने कहा है कि इसे मंत्रालय को भेजकर कार्यवाही करवाई जाएगी। ऐसा है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे कैसी हो जाते जी, उसी आज हॉस्पिटल में आए, जनरल हॉस्पिटल में जी, दिव्यांग भाइयों को थोड़ी समस्या है यहाँ पे जी, कोई 4 हफ्ते जा रहा है, कोई 8 हफ्ते जा रहा है, सब बता रहे हैं वो लोग, और इसलिए जानकारी मिली तो आगे देखा है, उसमें व्यवस्था में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है, और इसीलिए कल मैं DC साहब के साथ बैठूंगा, साथ में CMO Deputy CMO बैठेंगे, और जो जो कमियां नज़र आई हैं खासकर दिव्यांग भाई जहाँ पे अपने सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं उसको ठीक किया जाएगा। दूसरा, बैठने की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, क्राउड ज़्यादा है, पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा है, बैठने की व्यवस्था कम है, उसको तुरंत प्रभाव से नगर निगम से कह के अगर बेंच भेजनी होगी तो ये इमीडिएटली बेंच भिजवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, OPD में सिस्टम ठीक है, OPD में जो भी आता है उसको एक स्टिकर मिलता है, उसके ऊपर इसका सीरियल नंबर लगा हुआ है, और फिर हर OPD रूम के बाहर एक डिस्प्ले लगा हुआ है, अगर आपने रेड कलर के देखे तो वहाँ पर हर टाइम डिस्प्ले चल रहा है कि कितना नंबर का पर्ची चल रही है, ये व्यवस्था ठीक है, लेकिन कई जगह वो बोर्ड बंद है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया कुछ होगा, उसको मैंने CMO साहब से कहा है कि जहाँ जहाँ वो बंद पड़े उसको इमीडिएटली ठीक किया जाए। पानी की व्यवस्था में थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, CMO साहब ने बताया कि पानी की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि पेशेंट बहुत है यहाँ पे और उनकी बेटर करनी पड़ेगी व्यवस्था, निश्चित तौर पर काम कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट का हमेशा ही स्कोप होता है, और उसी दृष्टि से आज यहाँ पर आए हैं ताकि हम और समाज के लिए, पेशेंट्स के लिए और क्या सुविधा कर सकते हैं, इसलिए। इसके बाद विधायक विजी ECG विभाग पहुंचे, वहां उन्होंने स्टाफ नहीं बल्कि मेडिकल संस्थान के छात्र जांच करते देखे। वो वहां पर सीखने आते हैं, जब उन्होंने छात्रों से बात की तो उन्होंने भी विधायक को बताया कि वे ही यहां हमेशा जांच करते हैं, हालांकि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं लेकिन वो नहीं जाते। विधायक ने इस मामले को गंभीर बताया है। सर, कैशलेस सिस्टम आपने शुरू किया है, कैशलेस सिस्टम से हर एक के पास गूगल पे या फोन पे नहीं है, 5 रुपए की पर्ची के लिए इमरजेंसी वार्ड में खड़े रहते हैं लोग, बड़ी समस्या है। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हर एक कैशलेस। सर, पूरे हरियाणा के अंदर हमारा पहला अस्पताल है जिसने कैशलेस की सुविधा दी है, जिसके पास अपने आप पे कैशलेस देने के प्रावधान नहीं है, तो हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको पहले से ही सरकार ने हिदायत दे रखी है कि वो पब्लिक की हेल्प करके और जो 5 रुपए की पर्ची है वो नर्सिंग ऑफिसर पे कर देता है अपने ग्राउंड पे। ऐसा कुछ नहीं है, लोग अल्ट्रासाउंड के लिए 2-2 हफ्ते का समय है, 2-2 देखिए अल्ट्रासाउंड के लिए जो है ना टोटल एक डॉक्टर की जो कैपेसिटी है वो देखनी होती है कि एक दिन में वो कितने अल्ट्रासाउंड कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि हर एक अल्ट्रासाउंड उस पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसकी रिपोर्ट भी साथ के साथ हम लोग देते हैं, और तो समय बद तरीके से जो जितने एक ह्यूमनली पॉसिबल होता है उतने हम डेली बेसिस पे करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक बार जानकारी भी ली है मैंने कि डॉक्टरों की कमी, अस्पताल में कोई डिमांड की है इसके लिए आपने? डॉक्टरों की जो मैन पावर है उसकी जानकारी हम हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कितनी सेंक्शन पोस्ट हैं और कितनी फील्ड हैं और कितनी वेकेंट हैं। डॉक्टर साहब, उसकी लिस्ट जो लेटेस्ट आपने भेजी है, अपनी रिक्वायरमेंट कॉपी मुझे भेज दीजिए, मैं भेज देता हूँ।
विधायक के दौरे के दौरान एक बड़ी खामी ये भी सामने आई है कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिस्टम से जूझना पड़ रहा है। कई हफ्तों से दिव्यांगों को यहां धक्के खाने पड़ रहे हैं, हर बार उन्हें दोबारा आने को कहकर भगा दिया जाता है। एक और बड़ा मामला ये था कि ओडिशा का एक दिव्यांग व्यक्ति कई महीनों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काट रहा था। हालांकि विधायक प्रमोद विज ने ये भी कहा कि उन्हें सिविल अस्पताल में कुछ अच्छाइयां भी दिखी लेकिन खामियां भी हैं। तो ऐसे में आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे विधायक विज पानीपत के सिविल अस्पताल में, जहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्हें कई खामियां और कई अच्छाइयां नजर आई। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।